Welcome you again in this Sachchidanand learning channel. It is the fourth chapter class 12 prose ka the Rattrap. पिछले वीडियो में इसके 60 क्वेश्चन का हम लोग चेक कर रहे थे. पार्ट वन और पार्ट टू में क्वेश्चन वन से 10 तक करवाया गया है. और यदि आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के चेक करें. और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुँचे. आइए क्वेश्चन नंबर 11 से चेक करते हैं. देखें, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विथ द गेस्ट. जो वह अतिथि पेडलर था उसके साथ क्या दोनों निर्णय किए आयरन मास्टर लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने. देखें, द आयरन मास्टर और उसकी पुत्री ने यह डिसाइड किया कि ऐसा किया जाए कि उस पेडलर का, उस फेरी वाले का मेहमान की तरह, गेस्ट की तरह उसका वेलकम किया जाए, स्वागत किया जाए. इसलिए वे लोग क्या किए, उसे घर ले गए अपने. वे लोग क्या चाहते थे, दे वॉन्टेड टू फीड हिम एट द क्रिसमस. तो क्रिसमस पर्व पर उसे कुछ खिलाना पिलाना चाहते थे. क्वेश्चन 12 है, व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन. वह लौह व्यापारी ने कौन सी गलती कर दी थी. और व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन टू द वेगाबॉन्ड इन द ब्रॉड डेलाइट. मतलब कि चकाचौंध वाले प्रकाश में, सुबह वाले प्रकाश में, तो उस जो वेगाबॉन्ड था, घुमक्कड़ था, उसको पहचानने के बाद तब फिर क्या किया. तो जो आयरन मास्टर था, लौह व्यापारी था, उसने गलती कर दिया था उसको आइडेंटिफिकेशन करने में, पहचानने में, उस वेगाबॉन्ड बने उस घुमक्कड़ को. फिर क्या हुआ, जब वह समझ गया, ही हैड अंडरस्टूड हिम हिज ओल्ड एक्वेंटेंस. माने यह वह समझ लिया, उसे जान लिया कि वो मेरा ऐसा लगता है कि जाना पहचाना पुराना परिचित था वह, जो वो पेडलर था. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट, तो उस चकाचौंध प्रकाश में या दिन की रोशनी में जब वह उसको पहचान लिया आयरन मास्टर उसे, तो बहुत ही उसे अपनी गलती का फेल्ट हुआ, एहसास हुआ. और वह चाहता था कि किसी प्रकार से को जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से निकाला जा सके. क्वेश्चन 13 है कि व्हाई डिड एडला बिलिमेंसन वांट टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर. वह जो अजनबी घुमक्कड़ था, उस आयरन मास्टर की जो पुत्री विलियमसन थी, वो किस प्रकार से उसको आतिथ्य सत्कार देना चाहती थी, उसे हॉस्पिटैलिटी क्यों वो देना चाहती थी. तो इसका मात्र एक रीज़न था कि उनकी जो डॉटर थी वो प्रॉमिस कर चुकी थी. ठीक है, वो जो डॉटर थी उसकी सेवा सत्कार के लिए उसको पहले से ही वो प्रॉमिस्ड वादा कर दी थी उस क्रिसमस पर्व पर उसे शामिल होने के लिए, जो बेचारा सहाय गरीब भूखा और अभागा वो जो घुमक्कड़ था, पहले से उसको प्रॉमिस्ड कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड द रैट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन द आयरन मास्टर्स हाउस. तो उस आयरन मास्टर के घर में किस प्रकार से वो जो चूहेदानी बेचने वाला भी था वो कैसे व्यतीत किया आखिर. तो देखे, द रैट्रैप सेलर पास्ड हिज टाइम वेरी क्वाइटली एंड ही डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप. तो वह चुपचाप शांतिपूर्वक रहा उस घर में, कोई भी व्यवधान उत्पन्न किया नहीं, और सिर्फ जो चीज़ करता रहा वो सोता रहा, सोता रहा. और क्रिसमस पर्व की जो फीस थी, मछली थी और जो दलिया था वो ग्रहण किया. क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च. तो चर्च में आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने कौन सी सूचना को प्राप्त की. देखे, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव्ड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द चर्च अबाउट द रैट्रैप सेलर. उस रैट्रैप सेलर के बारे में सूचना उन लोगों को प्राप्त हुई. यह सूचना यह था कि ही वॉज अ थीफ. वो जो रैट्रैप सेलर था वह एक चोर था. एंड ही रॉब्ड द ओल्ड क्रॉप्टर ऑफ द आयरन मिल. और उसी आयरन मिल के लौह फैक्ट्री में, उसमें जो एक कृषक था उसको लूट लिया था, उसको लूट लिया. क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर. माने वह जो फेरी वाला था उससे कौन सा उपहार वो जो एडला थी प्राप्त की. और व्हाई डिड सी गिव लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो हल्का सा चीख क्यों पड़ी, खुशी के मारे वो उछल क्यों पड़ी या चीखी क्यों. तो कौन सा उसको गिफ्ट प्राप्त हुआ था, तो वही रैट्रैप. तो एडला रिसीव्ड द रैट्रैप प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर. वह जो फेरी वाला था आखिर वह जो उपहार छोड़ करके चला गया उस लड़की के लिए, वो था रैट्रैप. माने चूहेदान जब पैकेज को खोली थी तो उसको रैट्रैप मिला छोटा सा. सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो हल्का सा चीख भी पड़ी, उछल पड़ी खुशी के मारे. बिकॉज सी फाउंड स्मॉल रैट्रैप विथ 10 क्रोनर्स नोट्स. तो वहाँ पर 10 क्रोनर के नोट के साथ ही साथ एक छोटी सी उसको रैट्रैप माने चूहेदान भी प्राप्त हुई थी, इसीलिए झूम उठी खुशी के मारे. सो थैंक यू स्टूडेंट.